हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल दीपिका शॉपिंग लवर। वेलकम टू माय वीडियो। आज आप लोग के साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है रेड सॉस मैक्रोनी। जी गाइस, ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आई होप कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी रेसिपी, और आप लोग घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे एक बड़ा अनियन बारीक कटा हुआ, 2 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टमाटो कटा हुआ, और धनिया पत्ती कटी हुई, आधा नींबू। और यहाँ पे हमको चाहिए स्मिथ एंड जॉन्स का मैं पास्ता मसाला ले रही हूँ, और यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले रही हूँ मैं, और पतंजलि का टमाटो केचप ले रही हूँ मैं। आप कोई सा भी केचप ले सकते हो। और यहाँ पे बॉयल मैक्रोनी है मेरे पास, तो ये ले रही हूँ। ये 200 ग्राम मेरे पास मैक्रोनी है, जो कि मैं बॉयल करके रखा हुआ है मैंने। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रख दूँगी। ये मैं ले रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आप अगर मस्टर्ड ऑयल लोगे तो बहुत अच्छी नहीं बनेंगी ये मैक्रोनी। तो अब मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने अनियन डाल दिया है। अब अनियन को मैं फ्राई करूँगी। जब तक मेरे ब्राउन नहीं हो जाएंगे अनियन, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इसको अच्छे से, तेल मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब मेरा अनियन अच्छे से भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। इसमें मैं रेड चिली नहीं डाल रही हूँ, मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। और मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में और अनियन में मिक्स हो जाए। इससे इसका तीखापन भी कम हो जाता है। अगर आप ग्रीन चिली को फ्राई कर लेते हो तो उसका तीखापन कम हो जाता है। तो बहुत कम तीखा लगने वाला है ये रेसिपी आपको। अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। टमाटो के गल जाने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये रेसिपी मैं बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल नहीं डाली है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। वरना आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हो बारीक काट काट के, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब देखिए, मेरे यहाँ पे टमाटो गल चुके हैं और प्याज भी भुन चुकी है अच्छे से। अब इसमें मैं पास्ता पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी, जो कि मैं लूँगी 1 स्पून। इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, ताकि ये सॉस हमारे प्याज टमाटो में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप। तो टमाटो केचप यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का, आप कोई सा भी टमाटो केचप ले सकते हो। और टमाटो केचप की क्वांटिटी मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। जी गाइस, आपको पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लेना है 1 चम्मच, और टमाटो केचप लेना है 2 चम्मच। आप जितना भी पास्ता सॉस ले रहे हो उसका डबल आपको केचप डालना है इसमें। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। आपको ज़्यादा, कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम नमक खाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसको। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हो इसमें। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैं ये पास्ता मसाला डाल रही हूँ। ये मसाला काफ़ी अच्छा है, जॉन एंड स्मिथ का काफ़ी अच्छा मसाला है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि मेरी सॉस सारी पक जाए। अब मेरी सॉस पक चुकी है, अब इसमें मैं ये बॉयल मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। इस तरह से मैं मैक्रोनी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने सारी मैक्रोनी डाल दी। अब अच्छे से इन मसालों से मैक्रोनी को कोट कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, या आपस में मिक्स हो जाएं।
तो अब देखिए आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मेरी मैक्रोनी यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों में। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू के रस से भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा मीठा और नमकीन वाला टेस्ट आता है, जैसे चिली पनीर जो होता है कुछ उस तरह का टेस्ट आता है इसमें, तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये मैकरोनी। अभी अच्छे से मेरी मैकरोनी पक चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पत्ती जो मैंने बारीक काट के रखी हुई हैं, तो उसको डाल दूँगी मैं, ऐड कर दूँगी। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी क्योंकि मेरी मैकरोनी अब रेडी है। तो आप देख सकते हो गाइस कितने इजी वे में ये रेसिपी रेडी हो जाती है, और बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है। तो प्लीज़ आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।